तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट रेडमी नोट 10, रियलमी 8 और रियलमी नार्जो 35 जी स्मार्टफोन के बीच में। दोस्तों, तीनों ही फोन्स के अंदर अपन को 5,000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, बट तीनों ही फोन्स के अंदर अपन को बिल्कुल अलग अलग लेवल के प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, हमको रेडमी नोट 10 के अंदर स्नैपड्रैगन का 678 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, रियलमी 8 के अंदर हीलियो G95 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और हमको रियलमी नार्जो 35G के अंदर डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है मीडियाटेक की तरफ से, 5G प्रोसेसर है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इन तीन ही फोन्स में से कौन से फोन की अपन को जो बैटरी लाइफ है उसमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं टेक यू एम। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इस तरह से मोबाइल फोन से जुड़ी हुई चार्जिंग टेस्ट की वीडियो, कैमरा कंपैरिजन की वीडियो, स्पीड टेस्ट की वीडियो सुनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की वीडियोज़ में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ, तीनों ही फोन्स को मैंने बिल्कुल सेम वाईफाई के ऊपर कनेक्ट कर रखा है, और जो लोकेशन वगैरह रहती है उसको मैंने ऑफ कर दिया है यहाँ से, और बैकग्राउंड में भी कोई भी ऐप नहीं चल रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तीनों ही फोन्स के। और दोस्तों, अपन लोग इन तीनों ही फोन्स को इसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है उसके ऊपर यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों, इन तीनों ही फोन्स का जो वॉल्यूम है उसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपन लोग बिल्कुल लो वॉल्यूम के ऊपर इनको चलाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, तो अगर मैं ज़्यादा तेज चलाऊँगा तो घर वाले जाग जाएंगे और उठकर बहुत मारेंगे। तो इस वजह से अपन लोग इनको बिल्कुल लो वॉल्यूम पर चलाने वाले हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, अपन लोग अब 1 घंटे तक लगातार इन तीनों ही फोन्स के अंदर इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं, तो अब देखते हैं 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाने में अपने ये तीनों ही फोन्स कितनी बैटरी को कंज्यूम कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तीनों ही फोन्स के अंदर मैंने बिल्कुल जो बैटरी है वो 100% पर है अभी। तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं दोस्तों 1 घंटे इंस्टाग्राम चला लेता हूं और उसके बाद में मैं आपको मिलता हूं अब। दोस्तों, हमारे तीनों ही फोन्स पर इंस्टाग्राम चलाते हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, और अब देखते हैं 1 घंटे के अंदर हमारे फोन्स ने कितनी बैटरी को कंज्यूम किया। दोस्तों, सबसे पहले रेडमी नोट 10 के अंदर देखते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रेडमी नोट 10 के अंदर अभी 92% बैटरी है, तो इसमें 8% बैटरी का यूज़ किया। रियलमी 8 के अंदर अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 92% बैटरी है, इसने भी 8% बैटरी का यूज़ किया है, और रियलमी नार्जो 35G के अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इस फोन के अंदर दोस्तों 90% बैटरी है, तो लगभग इसने 10% बैटरी का यूज़ कर लिया है दोस्तों अभी 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाने। और दोस्तों, अब इन तीनों फोन्स के अंदर अपन लोग 1 घंटे तक लगातार यूट्यूब चला कर देखेंगे। अब देखते हैं 1 घंटे यूट्यूब चलाने में तीनों ही फोन्स कितनी बैटरी को कंज्यूम कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब इन तीनों ही फोन्स पर हमको YouTube चलाते हुए ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, और अब देखते हैं 1 आवर के अंदर अपने YouTube ने कितनी बैटरी कंज्यूम किया। तो Redmi Note 10 से स्टार्ट करते हैं, Redmi Note 10 के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने Redmi Note 10 के अंदर अभी 82% बैटरी बची हुई है, तो लगभग 10% बैटरी का यूज़ कर लिया है इसने 1 घंटे यूट्यूब चलाने में। और अब आने रियलमी 8 के अंदर 84% बैटरी बची हुई है, तो लगभग इसने 8% बैटरी का यूज़ किया है यूट्यूब चलाने में। और अपने रियलमी नार्सो 35G के अंदर अभी 80% बैटरी बची हुई है, तो उसने भी 10% बैटरी का यूज़ कर लिया है 1 घंटे यूट्यूब चलाने में। दोस्तों, मैं तीनों ही फोन्स के अंदर 1 घंटे तक लगातार अब पबजी खेलकर देखने वाला हूँ स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर। अब देखते हैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर इस फोन में 1 घंटे पबजी खेलने में ये कितनी बैटरी को कंज्यूम करता है, और उसके बाद में दोस्तों अपन लोग इसके अंदर 1 घंटे तक लगातार HD प्लस हाई में खेलकर देखेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स में 1 घंटे में कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा 1 घंटे बाद। दोस्तों, अब इन तीनों फोन्स पर पबजी खेलते हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, और अब देखते हैं 1 घंटे के अंदर अपने फोन ने कितनी बैटरी को कंज्यूम किया है। दोस्तों, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने रेडमी नोट 10 के अंदर 68% बैटरी बची हुई है, तो लगभग 14% बैटरी का इसने यूज़ कर लिया है। और दोस्तों, अपने रियलमी 8 के अंदर 71% बैटरी बची हुई है, तो 14% बैटरी का इसने यूज़ कर लिया है। और रियलमी नार्जो 30 के अंदर 66% बैटरी बची हुई है, तो 14% बैटरी का इसने यूज़ कर लिया है दोस्तों 1 घंटे पबजी खेलने में स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर। दोस्तों, अब मैं इनकी सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ, इन तीनों फोन्स के अंदर HD प्लस हाई सेटिंग लगा देता हूँ,
अब देखते हैं HD प्लस हाई सेटिंग्स के ऊपर अपने कितनी बैटरी कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने तीन ही फ़ोन की जो सेटिंग है उसको HD प्लस हाई पर कर दिया है। तो अब दोस्तों एक घंटे तक इस सेटिंग के ऊपर खेल कर देखते हैं एक घंटे इस सेटिंग पर खेलने में कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। चलिए अब मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अब इन तीनों फोन पर पबजी खेलते हुए HD प्लस हाई सेटिंग्स के ऊपर हमें एक घंटा हो जाएगा। अब देखते हैं अपने फ़ोन के अंदर कितनी बैटरी बची हुई। तो Redmi Note 10 Pro के अंदर देखें दोस्तों अभी 55% बैटरी बची हुई है अभी Redmi Note 10 Pro के अंदर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी। और अपने Realme 8 को देखें तो आप लोग देख सकते हैं फिर अपने Realme 8 के अंदर 59% बैटरी बची हुई है। और अभी अपने Realme Narzo 30 के अंदर 50% बैटरी बची हुई है। और दोस्तों मैं इन फोन के अंदर एक घंटे तक लगातार फ्री फायर खेलने वाला हूँ। तो अब देखते हैं दोस्तों एक घंटे तक लगातार फ्री फायर खेलने में कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों एक घंटे बाद। दोस्तों अब हमें इन तीनों फोन पर फ्री फायर खेलते हुए एक घंटा कंप्लीट हो चुका है। और आप देखते हैं एक घंटे के अंदर अपने फ़ोन ने कितनी बैटरी कंज्यूम किया फ्री फायर में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने Redmi Note 10 के साथ में। दोस्तों ऐसा कि आप दो लोग देख सकते हैं Redmi Note 10 के अंदर अभी अपनी 43% बैटरी बची हुई है। और Realme 8 के अंदर दोस्तों अपन देखें तो Realme 8 के अंदर दोस्तों 50% बैटरी बची हुई है। और दोस्तों अपने Realme Narzo 30 के अंदर 35% बैटरी बची हुई है। और दोस्तों अपन को अपने टेस्ट को चलाते हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। और अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सुबह के 5:30 भी बज चुके हैं। और दोस्तों मैं इन फोन के अंदर कैमरा यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों कैमरे के अंदर मैं इनका जो भी मैक्सिमम रेजोल्यूशन रहेगा वीडियो का उसके अंदर एक घंटे तक लगातार वीडियो शूट कर देखूंगा कि एक घंटे वीडियो शूट करने में कितनी बैटरी को कंज्यूम कर लेता है। दोस्तों Redmi Note 10 Pro के अंदर मैं 4K 30 FPS में शूट कर रहा हूँ। और Realme 8 के अंदर दोस्तों मैं इसके अंदर भी 4K में शूट कर रहा हूँ। और अपन लोग देखते हैं अपन को इसके अंदर मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितना देखने के लिए मिलता है। और Realme Narzo 30 के अंदर मैं 1080p पर शूट कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो यही देखने के लिए मिलता है। तो अब मैं देखते हैं दोस्तों एक घंटे तक कैमरा यूज़ करने में कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। दोस्तों Realme 8 और Redmi Note 10 के अंदर अपन लोग 4K 30 FPS में शूट कर रहे हैं और Realme Narzo 30 के अंदर अपन लोग 1080p में शूट कर रहे हैं। दोस्तों हमें अपने फ़ोनों पर कैमरा यूज़ करते हुए एक घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। अब देखते हैं अपने फ़ोन के अंदर कितनी बैटरी बची हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने Redmi Note 10 के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने Redmi Note 10 के अंदर अभी 25% बैटरी बची हुई है। और अपने Realme 8 के अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 28% बैटरी बची हुई है। और अपने Narzo 30 के अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 18% बैटरी बची हुई है। दोस्तों मैं तीन ही फोन के अंदर और तब तक कैमरा यूज़ करके देखूंगा जब तक अपना फ़ोन बिल्कुल नज़र डेड नहीं हो जाते हैं सारे के सारे। तो अब देखते हैं दोस्तों अपने फ़ोन कितनी देर तक और सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि दोस्तों कैमरे के अंदर ही मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं ये वाले फ़ोन। तो अब मैं इनके अंदर तब तक कैमरा यूज़ करूँगा जब तक अपने फ़ोन पूरी तरीके से अच्छे से डेड नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ जब भी अपना पहला फ़ोन डेड हो जाएगा तब। दोस्तों फाइनली अपना Redmi Note 10 Pro पावर ऑफ हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना Redmi Note 10 Pro की पूरी बैटरी खत्म हो चुकी है। इसके अंदर अपन को लगभग 7 घंटे और 28 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल गया था। और दोस्तों अपने अभी Realme Narzo 30 के अंदर 1% बैटरी बची हुई है। तो अब देखते हैं ये कितनी देर और चलता है। और अपने Realme 8 के अंदर अभी 4% बैटरी बची हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने अब Narzo के अंदर भी वीडियो शूट नहीं हो रही है। तो अब मैं इसके अंदर एक कोई सा गेम चलाकर छोड़ देता हूँ। दोस्तों फाइनली अपने Realme Narzo 35G ने भी हार मान ली है और उसकी बैटरी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर अपन को लगभग 7 घंटे और 33 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल जाता है। और अपने Realme 8 के अंदर अभी भी काफ़ी बैटरी बची हुई है, मतलब कि 2% बैटरी बची हुई है। तो अब देखते हैं ये फ़ोन और कितनी देर तक टिक पाता है। दोस्तों ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं फाइनली अपना जो
रियलमी 8 है वो भी बंद हो चुका है, अपने रियलमी 8 की पावर पूरी ख़त्म हो चुकी है और ये फ़ोन अपना लगभग 7 घंटे और 47 मिनट्स चल गया, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा है इन तीनों ही फ़ोन्स के अंदर। तो दोस्तों फाइनली रिजल्ट्स की बात करी जाए तो दोस्तों हमको Redmi Note 10 के अंदर 7 hours और 28 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोगों ने देख ही लिया है अपन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़ किया है। और उसके बाद में दोस्तों हमको Realme Narzo 35G के अंदर 7 hours और 33 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर दोस्तों अपन लोगों ने 4K में वीडियो शूट नहीं करी है कि इसके अंदर दोस्तों अपन लोगों ने नॉर्मल 1080p पे वीडियो शूट करी थी, क्योंकि इसके अंदर 4K का सपोर्ट अपन को देखने के लिए नहीं मिल जाएगा कैमरे के अंदर। और दोस्तों वहीं पर हमारे Realme 8 के अंदर अपन को सबसे ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल जाएगा 7 hours और 47 minutes का, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे दोस्तों आपको ये तीनों ही फ़ोन से एक दिन आराम से निकाल देंगे, चाहे आप कितनी ही गेमिंग वगैरह भी कर लें, लेकिन अपना जो Realme 8 है वो बैटरी के मामले में चैम्पियन निकल कर आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि दोस्तों अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है वो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझको भी ऐसा अभी कुछ खास ज़्यादा टेस्ट करना नहीं आता है, पर दोस्तों मैं आपको ऐसा भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं धीरे धीरे इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे फ़र्क देखने के लिए मिलेगा क्वालिटी में भी और मेरे टेस्ट करने के तरीके में भी। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे लिए। तो दोस्तों मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।